नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत त्योथा तहसील में खुशी सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 486 अंक लाकर किया टॉप। मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परिणाम सोमवार 27 जुलाई यानी कि आज दोपहर 3 बजे के करीब जारी किया गया है। इसी के साथ रीवा जिले के अंतर्गत त्योथा तहसील में चुनरी निवासी खुशी सिंह ने 500 में से 486 अंक यानी कि 97.2% अंक लेकर पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। खुशी सिंह के पिता रमेश प्रताप सिंह पेशे से किसान हैं व उनकी मां सीमा सिंह गृहिणी। बिना किसी ट्यूशन व सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बावजूद भी खुशी ने मध्य प्रदेश में त्योथर सहित रीवा का नाम रोशन किया। बता दें कि उनके घर की हालत बेहद कमज़ोर है, इसके बावजूद भी खुशी दिन रात सिलेबस की तैयारी कर पढ़ाई करती थी। इतना ही नहीं, खुशी खुद तो पढ़ती ही थी, साथ में अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाया करती थी। खुशी सिंह ने अपनी इस सफलता पर बात करते हुए कहा कि पूरे परिवार के सहयोग से यह संभव हो पाया है। बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देने की योजना फिर से शुरू हो गई है। 12वीं परीक्षा में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाएगा। उन्हें 25,000 रुपए और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। उन्होंने रविवार को समीक्षा बैठक के बाद इसकी घोषणा की। 2019 और 20 के लिए MP बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉपर स्टूडेंट को योजना का लाभ मिलेगा। लैपटॉप प्राइवेट और नियमित दोनों तरह से छात्रों को दिए जाएंगे। खबरदार न्यूज और उनकी पूरी टीम की तरफ से खुशी की सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा से हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आपने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में टॉप किया है, वो आपने कितने घंटे लॉकडाउन के समय पढ़ाई करती थी? हम लॉकडाउन में सुबह क्या बोलते हैं 4 बजे उठते थे और क्या बोलते हैं 8 बजे तक अपना पढ़ाई करते थे, फिर घर काम करते थे और फिर क्या बोलते हैं फिर काम करने के बाद फिर पढ़ते थे, फिर खेलते उलते थे। ये लॉकडाउन के समय आपका 2 पेपर पता हो तो किस हिसाब से आपने पढ़ाई किया कि आपने जिले में प्रदेश में नाम रोशन किया है आपने? हमको पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ी, कहे कि हमने पहले ही अपना सब जो पूरा कर चुके थे उसी वाले पेपर में, इसलिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसका श्रेय आप किसको दे रही हैं? इसका श्रेय मैं अपने टीचर को, अपने सर लोग को और मम्मी पापा को और जो घर के हैं फैमिली को देना चाहूँगी। ये आपने जो आपका श्रेय जो है आपने टॉप किया, मतलब आपका श्रेय क्या है, क्या बनना चाह रही हैं आप? मैं फिलहाल मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और इसके अलावा क्या ख्वाब है आपके? आपके पारिवारिक हालत के हिसाब से आपने जो नाम रोशन किया है मध्य प्रदेश में, उसका श्रेय और विद्यालय की तरफ से क्या योगदान था आपका? और हो गया सब, क्या बोलते हैं, ज्यादा योगदान नहीं था। कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की है? हमने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चौथा से पढ़ाई की है। वो फार्मर है। और मम्मी क्या है? मम्मी गृहिणी है। और आप परिवार में आप कौन सी बहन भाई कितने हैं आपके? मैं 5 बहन हूँ। और आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं 3 नंबर वाली हूँ। और आपके छोटे भाई बहन जो हैं उनके लिए आपके क्या संदेश दे रही हैं कि क्या उनका क्या एजुकेशन के हिसाब से कैसे करवाएंगे आप? मैं चाहती हूँ वो भी हमारे तरह पढ़े, इसलिए हम उनको पढ़ाते भी हैं। अच्छा, आप एजुकेशन के हिसाब से बच्चों का, छोटे बच्चे जो हैं आपके बहन वगैरह, उनको शिक्षा दे रही हैं? हाँ। थैंक यू।